यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर साइड में आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको भी दबा देना। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि स्टक डैप में फ्री फायर जैसा गेम कैसे बनाए, जैसे कि हम आ रहे हैं, मार रहे हैं एनिमी को और एनिमी हमें मार रहा है और इधर उधर घूम रहा है, तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कैसे खेल सकते हैं, वो आई बटन पे आ गई होगी अभी तक। तो अभी स्टक को खोल देते हैं, स्टक्ड को, ठीक है। अभी ये लोडिंग लेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर खुल गया। अब वो ड्राफ्ट में जाना है, क्रिएट न्यू गेम में जाना है, ठीक है। अभी ये थोड़ी लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने ये चूज कर लिया है। फिर मैं ना एक काम करता हूँ, जैसा आपको एनवायरनमेंट बनाना है वैसे आप चूज करके पेड़ वेड़ लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ इसमें ट्रीज, करेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें, तो अपने मन से लगा सकते हैं। तो मैं एक स्क्वायर टाइप दीवार बना देता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर टाइप दीवार बनाने के लिए मैं वॉल्स में चला जाता हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी वॉल्स है, यहाँ पर ऐसे दबा के और भी वॉल्स आप देख सकते हो। तो मैं इसमें से एक चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं गाइस ये वाली मैंने चूज़ कर ली है दोनों। एड एलिमेंट्स पे दबाना है। अब मैं ना एक स्क्वायर पहले बना के मिलता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस मैंने ऐसा बना लिया है इतना स्क्वायर। आप चाहे तो बहुत सारा बड़ा सा बना सकते हैं। तो पहले हम कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं ऐड करके मिलता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमें हीरोज़ चाहिए, तो हीरोज़ के आइकन पे जाना है और यहाँ पर हीरोज़ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जैसे भी आपको चाहिए। तो मैं ये वाला एक ले लेता हूँ इनमें से, तो इनमें से मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और आप बहुत सारे हीरोज़ खड़े कर सकते हो चाहे तो। तो मैं दो हीरोज़ ले लेता हूँ, ठीक है। फिर अब अगर आपको विलेंस चाहिए तो विलेंस यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं हीरोज़ के नीचे विलेंस। तो मैं विलेंस ले लेता हूँ कुछ, तो ये वाला सही है और ये वाला सही है और ये वाला सही है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। और अब थोड़ा प्लेयर को बचाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो प्लेयर को बचाने के लिए अपन वो लगा सकते हैं। तो वॉल्स में जाना है अपन को, ठीक है। वॉल्स 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 कहाँ गई वॉल्स, ये रही। तो वॉल्स पे जाना है, और अब मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ कौन सी वॉल लगाऊंगा मैं। तो गाइस ये दोनों वॉल्स हैं, और ये टायर वाली लगा दूंगा मैं, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ जिससे प्लेयर यहाँ पर आके वो बैठ जाए और बच जाए, ठीक है। फिर मैं ना एक काम करता हूँ, प्लेयर्स लगा देता हूँ सबसे पहले अपने, ठीक है। यहाँ पर लगा दिए मैंने प्लेयर, अब इसको थोड़ा घुमा देता हूँ मैं। और आपको अगर थर्ड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन चाहिए तो यहाँ पर दिख जाएगा, तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ फर्स्ट पर्सन पे रखना। वैसे आपको अगर वैसे वाला करना है तो वैसे आप कर सकते हो थर्ड पर्सन, अगर आपको पता है थर्ड पर्सन टॉप डाउन व्यू, तो आपको पता है तो टॉप डाउन व्यू से ऊपर से दिखेगा और थर्ड पर्सन से जैसे दिखेगा करेक्टर, और फर्स्ट पर्सन से गन वन दिखेगी। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ तो ऐसी गन दिखेगी। क्रिएट पे दबा देते हैं, और एनिमी मतलब वो हमारे साथी लाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, और इनका बिहेवियर चेंज कर देता हूँ। इससे क्या होगा, ये वाला मैं रिकमेंडेड करता हूँ, रेंडमली इधर उधर चलेंगे नहीं तो वो खड़े रहेंगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ, जिससे लगेगा भी भाई ये प्लेयर्स हैं खेल रहे हैं। तो भाई ऐसे आपको रख लेना है दो तीन ऐसे रेंडमली बिहेवियर करके, ठीक है। फिर सामने मैं थोड़ी और बॉल्स लगा देता हूँ, गोल टायर वाली लगा देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी टेढ़ी भी करके लगानी है, और अब मैं ऐसे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खड़े कर दिए। अब मैं ना यहाँ पर अपने एनिमीज खड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये खड़ा कर दिया है। और अब इसको रैंडमली इसको भी कर देना है आपको, ठीक है। और फिर एक और कर देते हैं हम, ठीक है। और आप बहुत सारी ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, मैं आपको ऐसे डोर लगा लगा के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कर देता हूँ सबको, यहाँ पर मैंने तीनों को कर दिया है, और यहाँ पर मैंने कर दिया है तीनों को। और यहाँ पर मैं ऐसे चैट भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये, तो ये प्लेयर दब गया है, मतलब ये वाला सेकेंड वाला प्लेयर। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं हाई लिख देता हूँ, इसमें हाई लिख देता हूँ, हाय, ठीक है।
और इसको हटा देता हूँ, फिर प्ले दबा देता हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर इसको दबाया मैंने तो ये हाय बोल रहा है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एनिमीज हमें मार भी रहे हैं, और देख सकते हैं कितना अच्छा बैटल रॉयल गेम बनाया है, और हम ऐसे छुप भी सकते हैं जाके, ठीक है। और ये देखिए हम मर चुके हैं, और अच्छा बनाने के लिए कि जब प्लेयर सबको मार दे तो वो जीत जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये मोबाइल फ़ोन डाल देना है, तो विक्ट्री या एलिमेंट्स में जाना है आपको और मोबाइल ढूंढना है। तो यहाँ मोबाइल होगा, देख लेता हूँ, यहाँ पर ये देखिए मोबाइल आ गया है, अब इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर दो तीन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेयर को कलेक्ट करने होंगे तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। और फिर आपको अगर अपने प्लेयर की हेल्थ बढ़ानी है तो उसके लिए आपको वो हार्ट वो क्या कहते हैं वो वाला करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ, पिकअप्स में जाना है, फिर देख सकते हैं लाइफ हेल्थ लाइफ पिकअप, ठीक है। तो मैं लाइफ पिकअप दबा देता हूँ, मतलब इससे क्या होगा कि हमारा प्लेयर मरेगा तो फिर से ज़िंदा हो जाएगा। तो मैं यहाँ प्ले पे दबा देता हूँ, और अब ये लाइफ पिकअप ले लेता हूँ और मर के देख लेता हूँ। तो ये लाइफ पिकअप ले लिया है मैंने, अरे ले ले भाई, लाइफ पिकअप ले लिया है, और अब मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ मर गया हूँ मैं, और देखिए फिर से ज़िंदा हो गया हूँ। तो यही खासियत है इसकी, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसे ही आप मेहनत से और अच्छे गेम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसी बैटल रॉयल चाहे तो आप बहुत बड़ा मैप बना सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो बहुत लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी गाइस, जल्दी नहीं बता पाया मैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ खोड़ो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब के साइड में अरे घंटा मिल रहा है उसको ऑल पे दबा देना। गुड बाय।